अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताबों के रिव्यूज़ के तसलसल की एक और वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो जर्मन जबान की बिकने वाली सबसे ज़्यादा किताब द परफ्यूम है। लेकिन हमेशा की तरह इस किताब को एनालाइज करने से पहले हम इस किताब के मुसन्निफ़ और इस किताब से जुड़ी चंद दिलचस्प बातें आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, ये किताब एक जर्मन राइटर पैट्रिक सस्किन की तसनीफ़ है जो 1985 में जर्मन जबान में दास परफ्यूमर के नाम से पब्लिश हुई। 1985 में इस किताब के पब्लिश होने के बाद पैट्रिक सस्किंड एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बन गए। इस किताब को तस्नीफ करने से पहले उन्होंने बहुत सी परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्रीज को विजिट किया और बहुत से कल्चर्स और हिस्टोरिकल सोर्सेज को स्टडी किया। दोस्तों, इस किताब को अब तक 47 से ज़्यादा मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है और अब तक इस किताब की 20 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज फरोख्त हो चुकी। ये किताब 20वीं सदी के जर्मन नावल्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। दोस्तों, ये किताब मुसलसल 9 साल तक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लिस्ट में रही, जिसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तनकीद के साथ साथ बहुत पज़ीराई मिली। इस किताब का इंग्लिश तर्जुमा जॉन इवर्ड्स ने 1987 में किया। 2006 में बर्ड एचिंगर ने इस किताब पर फिल्म प्रोड्यूस की, जिसे जर्मन फिल्म डायरेक्टर टॉम टेकवर्ड ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म के मरकजी किरदारों में बेन विशा, एलन रिकमैन, रिचल हर्डवुड और डस्टिन हॉफमैन शामिल हैं। $60 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ ये जर्मन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म थी। ये फिल्म 14 सितंबर 2006 को जर्मनी में रिलीज हुई। 26 दिसंबर 2006 में इसे यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए पेश किया गया और 27 दिसंबर 2006 में ये फिल्म यूनाइटेड स्टेट के सिनेमाघरों की जीनत बनी, जिसने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। दोस्तों, इस किताब पर बनने वाली फिल्म ने दुनिया भर से $135 मिलियन कमाए। तो चलें दोस्तों, हम आपको मजीद इंतजार करवाए बगैर इस किताब की कहानी की तरफ आते हैं। ये किताब एक यतीम लड़के के गिर्द घूमती है जिसका नाम जेन बैप्टिस्ट ग्रेनोले है, जिसे खुदा ने सूंघने की नाकाबिल यकीन सलाहियत से नवाजा होता है और वो एक सुपर ह्यूमन परफ्यूम की तलाश में सीरियल किलर बन जाता है। किताब के मरकजी किरदार जेन बैप्टिस्ट ग्रेनोले का जन्म 1738 के पेरिस की एक फिश मार्केट में होता है। उसकी माँ एक मछली फरोश होती है जो उसे पैदा होते ही अपने गुज़िश्ता बच्चों की तरह वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। वहाँ मौजूद लोग उसे ऐसा करते देख ले और अपने बच्चों के कत्ल के जुर्म में उसकी माँ को फांसी की सज़ा हो जाती है। जेन बैप्टिस्ट की परवरिश एक यतीम खाने में होती है और जवान होकर वो एक मजबूत जिस्म का मालिक बन जाता है। उसे देखकर एक चमड़ा साज उसे खरीद कर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, दुनिया इस बात से बेखबर होती है कि कुदरत ने उस लड़के को सूंघने की जादुई सलाहियत से नवाजा है। वो उस चमड़ा साज के साथ पेरिस के बाजार में जाता है, जहां वो पेरिस के मशहूर परफ्यूम मेकर बालदीनी की दुकान पर रुक जाता है। दोस्तों, खुशबुओं की दुनिया का उसका ये पहला सफर, उससे पहले वो इस तरह की खुशबुओं से नाआशना होता है क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी यतीम खाने और चमड़े के काम के बदबूदार माहौल में गुजरी होती। वो एक ही दिन में शहर की सारी खुशबुओं को जहन नशीन कर लेता है। उसी दौरान उसे एक बहुत ही महसूर कम महक महसूस होती है। वो अपने सूंघने की जादुई सलाहियत की मदद से उस खुशबू का पीछा करता है और आखिरकार उस पर आश्कार होता है कि वो खुशबू एक नौजवान लड़की के जिस्म की है। साथ कि वो खुशबू उसके पास ही रहनी चाहिए, वो अनजाने में उस लड़की का कत्ल कर देता है और उसके जिस्म के साथ उस वक्त तक बैठा रहता है जब तक उसके जिस्म से वो खुशबू आती रहती है। खुशबू बनाने के हुनर को सीखने की जस्तजू में वो फ्रांस के मशहूर परफ्यूम मेकर बालदीनी के पास परफ्यूम मेकिंग की कला सीखना शुरू कर देता है। बालदीनी उसकी खुशबुओं को पहचानने और नई खुशबें बनाने की खुदादाद सलाहियत को जान जाता है और उसे अपने पास काम पर रख लेता है। वो उसे बताता है कि तमाम परफ्यूम 12 बुनियादी खुशबुओं की आमेजिश से बनते हैं, लेकिन एक 13वीं किस्म की खुशबू भी है जिसके बारे में वो नहीं जानता। वो उससे मुख्तलिफ चीज़ों की खुशबू को अखज करके उन्हें महफूज करने का अमल सिखाता है, जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। लड़का इस बात से बहुत मायूस होता है कि बालदीनी के पास सिर्फ चंद चीज़ों की डिस्टिलेशन करने का इल्म है। बालदीनी उसे बताता है कि अगर वो हर चीज़ के डिस्टिलेशन का अमल सीखना चाहता है तो उसे फ्रांस के साहली शहर ग्रेसी जाना पड़ेगा और इस शर्त पर कि लड़का उसे 100 नई किस्म की खुशबुएं तैयार करके देगा, उसे ग्रेसी तक पहुँचने के तमाम सफरी दस्तावेजात फराम करेगा। माहदे के मुताबिक बालदीनी उसे तमाम सफरी दस्तावेजात फराम कर देता है और लड़का ग्रेसी के साहली शहर की जानेब अपना सफ़र शुरू कर देता है। लेकिन अब उसे महसूस होता है कि वो इंसानों की बू से उकता चुका है और कई सालों तक इंसानों के वजूद से दूर गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है। इंसानों से दूर रहकर उस पर यह बात आयां होती है कि उसके अपने जिस्म की कोई बू नहीं। ये बात उसे बेसुकून कर देती है और वह मुख्तलिफ अशिया से अपने जिस्म के लिए आर्जी खुशबू हासिल करना शुरू कर देता है। ग्रेसी पहुँचकर वो एक खुशबूसास के पास खुशबुओं को अखज करके उन्हें महफूज करने का हुनर सीखता है। वहाँ वो उस 13वीं किस्म की बुनियादी खुशबू को भी अखज करना सीख जाता है। वो 13वीं किस्म की बुनियादी खुशबू
نوجوان لڑکیوں کے جسم میں ہوتی ہے، وہیں اسے ایک نوجوان لڑکی کے جسم کی خوشبو بہت متاثر کرتی ہے جس کا نام لورا ریچز ہوتا ہے۔ اس بار وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس خوشبو کو صرف ذہن نشین نہیں کرے گا بلکہ اس کے جسم کی خوشبو کو اخذ کر کے اسے محفوظ بھی کرے گا۔ اس نوجوان لڑکی کے تعاقب میں وہ بہت سی نوجوان لڑکیوں کی سیریل کلنگ کرتا اور ان کے جسموں کو ڈسٹلیشن کے عمل میں لاتا ہے۔ لورا ریچز کا باپ یہ بات جان چکا ہوتا ہے کہ سیریل کلر کا اصل نشانہ اس کی بیٹی ہے اور وہ شہر سے دور اسے ایک محفوظ مقام پر لے جاتا ہے۔ جن پیپٹیز اس لڑکی کی خوشبو کے تعاقب میں اس محفوظ مقام پر پہنچ جاتا ہے اور آخر کار اسے قتل کر کے اس کے جسم کی خوشبو کو پریزرو کر لیتا ہے، لیکن اسی دوران وہ پکڑا جاتا ہے اور اسے موت کی سزا ہو جاتی ہے۔ 13 بنیادی پرفیومز کو ملا کر وہ ایک سپر ہیومن خوشبو تیار کر لیتا ہے اور اسے اپنے جسم پر استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں اور اسے ایک فرشتہ تصور کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کا دل اب تک مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ خوشبو اس کے اپنے جسم کی نہیں۔ وہ دوبارہ پیرس کی اسی فش مارکیٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا جنم ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں پہنچ کر اس پرفیوم کی ساری بوتل اپنے اوپر انڈیل دیتا ہے۔ لوگ سب کچھ بھول کر اس کی طرف لپکتے ہیں اور مدوشی کے عالم میں اس کے جسم کو نوچ کر کھا جاتے ہیں، لیکن اپنے اس عمل پر اس ہجوم کو کوئی افسوس نہیں اور آہستہ آہستہ لوگ اس واقعے کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں انسانی رویوں اور ان رویوں کی وجہ سے ذہن پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسان دل کے سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جو دکھتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے انسانوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسان پر جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا جنون سوار ہو جاتا ہے تو وہ جائز اور ناجائز سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ دوستوں کے کمنٹس کے منتظر رہیں گے۔ اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ کتاب کے ریویو تک کے لیے ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کی بات۔